हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेम खरमी द साइड। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर इट। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि हम अनबॉक्स करेंगे। तो रिसेंटली मैंने स्नीकर परचेज किए हैं ₹500,000 के। तीन स्नीकर हैं जिनको हम अनबॉक्स करेंगे। पहला स्नीकर हम जो अनबॉक्स करेंगे वो है एयर जॉर्डन 1, जैसे कि बॉक्स से पता लग गया होगा आपको। ये अभी VNV पे लॉन्च हुआ था रिसेंटली और मुझे इसका कलर वे बहुत अच्छा लगा तो मैंने परचेज किया है। बहुत हाइप्ड अप नहीं है ये, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया तो मैंने इसको परचेज किया है। दिस इज एयर जॉर्डन 1 इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रिक ऑरेंज, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो इसको। नीचे से भी पूरा ऑरेंज है। ये मेरे पास 5-6 दिन पहले आ गए थे और मैंने इनको बिल्कुल भी डाला नहीं है। जो भी स्नीकर्स मेरे पास आए हैं उनको मैंने एक बार भी डाल के नहीं देखा। मुझे था मैं डायरेक्टली इसको अनबॉक्स करूंगा आपके सामने, सिर्फ मैंने इसका इसको खोल के देखा था थोड़ा सा। इसका MRP है 10,200 समथिंग। स्नीकर गेम में ये होता है कि तो स्नीकर गेम में बेसिकली क्या होता है, आपको MRP पे शूज़ नहीं मिलते हैं, बट ये मुझे MRP पे मिल गया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। 10,200 का ये। हम नेक्स्ट क्यू पे जाते हैं। जो भी स्नीकर लवर है, जिनको भी पता है स्नीकर्स का, उनको बॉक्स से ही पता लग जाएगा वो कौन सा स्नीकर है। ये बेसिक प्राइस का स्नीकर था। हम बेसिक, देन हाई, फिर सबसे जो एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है उस पर जाएंगे। ये अगर आप गेस करो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कौन सा स्नीकर है। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जुलाई में। मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे ये। सेकेंड टाइम मैंने ऑर्डर किए हैं। फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर किए थे वो कस्टम में फंस गए थे एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरे पास पहुंच नहीं पाए थे। देन सेकेंड टाइम मैंने फिर ऑर्डर किए तो इनको अनबॉक्स करते हैं। इसका बॉक्स बहुत ही ज़्यादा कूल है। These are just love. Air Jordan 4 Oreo. इसका MRP 15,995 है और इसको मैंने 20,000 में परचेज किया है। So ये है Air Jordan 4 Oreos. Next है, ये भी आप आई थिंक गेस कर सकते हो क्योंकि ये भी Air Jordan 4 है। ये मेरा ड्रीम शू ही था और मुझे अब जाके मिला है। आई थिंक मैंने 2 मंथ ट्राई किया इनको परचेज करने का बट मुझे मिल नहीं रहे थे। ये यूनिवर्सिटी ब्लू का बॉक्स है एंड ये ओरियोस का बॉक्स है। इसमें रेड कलर भी यूज़ किया हुआ है, इसमें ब्लू किया हुआ है। एयर जॉर्डन 4 के बॉक्सेस एयर जॉर्डन 1 से बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी सी पैकेजिंग होती है इसकी। एयर जॉर्डन 4 यूनिवर्सिटी ब्लू, और जो यूनिवर्सिटी ब्लू है, और ये अभी तक की मेरी स्नीकर कलेक्शन का सबसे एक्सपेंसिव शू है। इसका MRP है आई थिंक 16,200 और मैंने इसको परचेज किया है 25,000 में। अभी मैंने रिसेंटली स्नीकर वॉल बनवाई है जो कि आपको पीछे दिख जाएगी। ये स्नीकर वॉल रेडी हुई है। इसको मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे इसको व्लॉग में कैप्चर करना है। ये तीनों मैंने रिसेंटली परचेज किए थे। अब मैं फाइनली इनको डाल पाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो के चक्कर में इनको नहीं डाला था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, रिसेंटली मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये है मेरे ब्रांड की टी शर्ट। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाय बाय।